माई डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो ख़त्म किया था एसन टू रिएक्शंस, जो कि इन्वर्जन से ख़त्म होती हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है उसके अंदर, और एसन वन रिएक्शन जो है उसमें रेसिमाइजेशन हो जाता है। अब ये इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। साथ के साथ कुछ टर्म्स भी हमने यहाँ पर पढ़नी है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो क्या होती है, कोई भी ऑर्डिनरी लाइट को जो हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब है कि ऐसी बीम ऑफ लाइट है ये, जिसमें वाइब्रेशंस केवल एक ही प्लेन में यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर हर प्लेन के अंदर जो है वाइब्रेशंस हो रहा था ऑर्डिनरी लाइट में, निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद यहाँ पर हमें प्लेन पोलराइज लाइट जो है मिल गई है। सच अ बीम ऑफ लाइट विच हैज वाइब्रेशंस ओनली इन वन प्लेन। तो इस तरीके से हमने प्लेन पोलराइज लाइट को यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए यूज़ करना है। सेकंड जो हमें यहाँ पर पढ़ना है वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, वो सब्सटेंसेस जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं वो कहलाते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस, और ऐसी प्रॉपर्टी जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करती है वो कहलाती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, एक हमने यहाँ पर स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है पोलारीमीटर का जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करेगा। तो इसके अंदर हमने लाइट सोर्स लिया है सोडियम लैम्प का, और यहाँ से जब हमें ऑर्डिनरी लाइट हमने इसमें से निकोल प्रिज्म में पास करी तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया स्टूडेंट्स, हमें प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो मिल गई है। जैसे कि आप देख रहे हो ये हमें प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ पर मिल गई है। उसके बाद प्लेन पोलराइज लाइट जैसे ही हमें यहाँ पर मिली है तो फिर हमने क्या करना है, उसको पोलारीमीटर में से पास करना है। पोलारीमीटर में से पास करने के बाद हमें जो यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी उसको अल्फा डिग्री ऑफ एंगल से रोटेट करने के बाद उसको निकोल प्रिज्म से पास करना है, जो कि एनालाइजर का काम करेगा, और फिर हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को वॉच कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जिस एंगल से हम प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, पोलारीमीटर। ठीक है, जिस एंगल से हमने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करना है वो एक इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पोलारीमीटर। और सब्सटेंसेस जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव कर देते हैं स्टूडेंट्स, उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और प्लेन पोलराइज लाइट को अगर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो बोलेंगे कि हम लीवर रोटेटरी सब्सटेंसेस हैं वो। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा कि जो सब्सटेंसेस जो हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवर रोटेटरी। प्लेन पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे इस पर डिपेंड करता है। तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने वाले सब्सटेंस जो हैं लेफ्ट डायरेक्शन में एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं तो लीवर रोटेटरी होते हैं, और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं यानी राइट डायरेक्शन में, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाते हैं। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस और माइनस साइंस की हेल्प लेते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे प्लस और माइनस आइसोमर्स जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं, और फिनोमिना वो शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर टर्म्स पढ़नी है स्टूडेंट्स वो है मॉलिकुलर एसिमेट्री कायरलिटी एंड इनेंशियोमर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि व्हाट आर ए कायरल एंड कायरल ऑब्जेक्ट्स। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले जो एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगी, एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे कि एक हमने हैंड्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये हमारे पास है कायरल ऑब्जेक्ट्स। कायरल ऑब्जेक्ट वो हैं जिनकी इमेजेस जो बनती हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस होती हैं, यानी कि इनकी इमेजेस आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कम्प्लीटली नहीं कर पाती। ठीक है, और एक कायरल ऑब्जेक्ट अगर हम इन एक इमेज को दूसरी इमेज पर रखेंगे तो ये कम्प्लीटली ओवरलैप कर जाएगी इमेजेस आपस में, और इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, ए कायरल ऑब्जेक्ट। तो ए कायरल ऑब्जेक्ट और कायरल ऑब्जेक्ट, आई होप आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल ही हमने यहाँ पर कुछ ऐसा लिया है कि क्लियर हो रहा है इससे बिल्कुल कि ए कायरल और कायरल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो इसी तरह से ए कायरल मॉलिक्यूल्स और कायरल मॉलिक्यूल्स को भी हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ना है कि मॉलिकुलर एसिमेट्री और कायरलिटी एंड इनेंशियोमर्स जो है वो क्या है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हो मॉलिकुलर एसिमेट्री के अंदर
अगर हम सबसे पहले पढ़ें तो जिस कार्बन एटम से सभी ग्रुप्स या एटम्स जो अटैच होते हैं स्टूडेंट्स वो डिफरेंट हो, तो यहाँ पर ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, जिससे अटैच हैं अगर वो सभी हमारे यहाँ पर अटैच होने वाले एटम या ग्रुप कार्बन एटम से डिफरेंट है, तो हम ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर जो है वहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री किसी तरह से भी आप उसको इक्वली इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसमें हर तरह का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री लैक कर जाता है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये जो है हमारी एक यहाँ पर कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है, और यही एसिमेट्री जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एकमात्र यहाँ पर ओनली दिस इज द ओनली कंडीशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल्स इसको समझेंगे स्टूडेंट, जैसे कि प्रोपेन टूल है और ब्यूटेन टूल, हमने यहाँ पर ये नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिया हुआ है, इन दोनों एग्जाम्पल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि कार्बन जिससे कि चार ग्रुप अटैच हैं, इस कार्बन में ब्यूटेन टूल के अंदर जिस कार्बन से चार ग्रुप अटैच है, तो ब्यूटेन टूल के अंदर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर चारों ग्रुप जो अटैच हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन प्रोपेन टूल के अंदर यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है, प्रोपेन टूल टू होल के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो जब आप इसकी मिरर इमेज देखोगे तो ये बी इमेज आपको नजर आएगी, और इसको हम रोटेट करेंगे 180 डिग्री से, रोटेट करने के बाद जो हमें सी इमेज दिखाई देगी, ए और सी इमेज आपस में सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाएंगी, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ए कायरल मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम इसको मॉलिक्यूल को देखें, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओल के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि जब हमने यहाँ पर जिस कार्बन से चार ग्रुप अटैच हैं सारे डिफरेंट है, तो इसकी मिरर इमेज हमें ई मिली, और मिरर इमेज में अगर हमने इसको रोटेट कराया 180 डिग्री से तो हमें ये कंपाउंड मिला है जो कि अब ये डी और एफ दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस जो हैं वो बनाएंगे। तो इस तरीके से अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाएंगे तो ये किस तरह का कार्बन हो गया, यहाँ पर कायरल कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि ए कायरल कार्बन और कायरल कार्बन जो है वो होता क्या है। अब हमें पढ़ना है कि प्रेजेंस ऑफ सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम मेक्स द मॉलिक्यूल कायरल। एक सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन जो है अगर वो भी प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो वो क्या बना देगा, मॉलिक्यूल को कायरल बना देगा। जैसे कि आप देख रहे हो जिसमें हमने स्टार लगाया हुआ है, सभी कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन होने की वजह से मॉलिक्यूल को क्या बना दे रहा है, पूरे मॉलिक्यूल को कायरल बना दे रहा है। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर उसको स्टार से रिप्रेजेंट किया हुआ है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो जिस कार्बन पर स्टार लगा हुआ है वो सभी क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है जो कि मॉलिक्यूल को क्या बना रहे हैं, कायरल कार्बन बना रहे हैं। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है इनेंशियोमर्स, डायस्टीरोमर्स और मीजो कंपाउंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स है, जैसे कि हम पहला एग्जांपल यहाँ पर पढ़े इनेंशियोमर्स का। तो इनेंशियोमर्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस एक दूसरे की बनाते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, जिस कार्बन से चारों ग्रुप जो प्रेजेंट है वो डिफरेंट है। तो अगर हम इसकी मिरर इमेज यहाँ पर देखें तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस एक दूसरे की बना रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये आपस में क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर्स। तो इनेंशियोमर्स जो है ब्रोमोक्लोरो आइडोमिथेन के इनेंशियोमर्स जो है आपस में, उनको दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो सब्सटेंसेस होंगे जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ पर रोटेट कर देगा, राइट डायरेक्शन में, जबकि लिवो रोटेटरी जो हैं सब्सटेंसेस वो कहाँ पर रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप डी साइन से रिप्रेजेंट करें, या तो प्लस साइन से, या तो कि डेक्स्ट्रो से, और लिवो रोटेटरी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो एल से, माइनस से, या लिवो रोटेटरी से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। डायस्टीरियोमर्स हमें नेक्स्ट टर्म जो पढ़नी है स्टूडेंट्स, अब ये डायस्टीरियोमर्स जो है वो होते क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं हैं,
जैसे कि अगर हम फर्स्ट और सेकेंड कंपाउंड देखें, तो फर्स्ट और सेकेंड कंपाउंड जो है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने अपोजिट डायरेक्शन में क्लोरीन लगाया हुआ है, जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो इस तरीके से बनेगी। तो ये दोनों क्या है यहाँ पर, सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बना रहे हैं, और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स। इसी तरीके से हमने यहाँ पर इस आइसोमर का, स्टीरो आइसोमर का एक और यहाँ पर लिखा नया आइसोमर जिसमें हमने सेम साइड क्लोरीन लगाया है, तो इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो इस तरीके से नजर आएगी। थर्ड और फोर्थ जो है हमारे पास में जो कंपाउंड्स बने हैं, ये दोनों जो हैं ये भी हमारे पास इनेंशियोमर्स होंगे, क्योंकि ये भी दोनों क्या बना रहे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बना रहे हैं। अगर हम देखें कि फर्स्ट और थर्ड कंपाउंड को, तो फर्स्ट और थर्ड कंपाउंड जो है वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फर्स्ट और फोर्थ को देखें तो वो भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, सेकंड और थर्ड को देखें, सेकंड और थर्ड भी नहीं है, सेकंड और फोर्थ भी एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। तो इस तरह के आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर डायस्टीरियोमर्स को डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ में, और आप इसको पहचान सकते हो, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी अब, क्योंकि हमने इसको एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ना है वो है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड जो है वो कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो नहीं शो कर पाते हैं वो, क्योंकि इनके अंदर इंटरनल कंपनसेशन ही हो जाती है। हालांकि कायरल कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन इंटरनल कंपनसेशन हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल लिखा है टार्ट्रिक एसिड का, तो टार्ट्रिक एसिड के अंदर हमारे पास में सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री एक प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमिट्री की वजह से क्या होगा कि अपर हाफ और लोअर हाफ की जो प्लेन पोलराइज लाइट उसको रोटेट करेगा वो इक्वली कैंसिल कर देगा उसको। तो लोअर हाफ रोटेशन इज कैंसिल बाय द अपर हाफ रोटेशन, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन विच इज प्रेजेंट इन मीजो टार्ट्रिक एसिड। तो इसको हम जो है मीजो कंपाउंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड के एग्जाम्पल के साथ इसको हम पढ़ रहे हैं, और साथ के साथ यहाँ पर इंटरनल कंपनसेशन जो इसको डिफाइन करती है। तो जैसा कि आप जानते हो कि रिटेंशन का मतलब क्या होता है, कि अगर हमारी स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स जो है सिमेट्रिक सेंटर के अराउंड वो सेम वैसे ही बने रहे जैसे कि हमारे रिएक्टेंट में थे, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम हमारे पास स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स है, स्पेस में जैसा अरेंजमेंट बॉन्ड्स का था रिएक्टेंट के अंदर, प्रोडक्ट में भी सेम उसी तरह से अराउंड द एसिमेट्रिक सेंटर, तो हमारे को इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन अगर मिलती है तो हम उसको बोलते हैं रिटेंशन का प्रोसेस। रिटेंशन के अंदर जो है कोई भी बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है, और रिएक्शन जो है वो रिटेंशन के साथ में प्रोसीड कर जाते हैं। जबकि इन्वर्जन के अंदर स्टूडेंट्स अपोजिट होगा, यहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, पलट जाएगा बिल्कुल। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, हमने एक कंपाउंड लिया, हमने यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो ये सेंटर में जो हमने कंपाउंड लिखा हुआ है, इस कंपाउंड के अंदर हमने वाई का एडिशन किया है और एक्स निकाला है, तो कंपाउंड सेकंड बन गया है विद द इन्वर्जन। एंड हमने इसी कंपाउंड के अंदर वाई ऐड किया और एक्स को निकाला तो बना है रिटेंशन। तो रिटेंशन के अंदर सेम कॉन्फ़िगरेशन है, जो रिएक्टेंट किया वही प्रोडक्ट किया, जबकि इन्वर्जन के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पलट गई है, ठीक है। और अगर हम इसी सेंटर में जो कंपाउंड हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, इस कंपाउंड के अंदर हम वाई ऐड करें और एक्स निकाल दें, तो रेसमिक मिक्सचर कब बनेगा, जब हमारे पास दोनों कंपाउंड्स जिसमें इन्वर्जन रिटेंशन हो रही है उसका इक्वल अमाउंट हम यहाँ पर ले लें, तो रेसमिक मिक्सचर हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड दोनों हमने इक्वल अमाउंट में लेने पर रेसमिक मिक्सचर जो है हमारे को मिल जाए। तो इस तरीके से हमने आज बहुत सारी टर्म्स जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की यहाँ पे आज डिस्कस करी हैं, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, SN1 SN2 से रिलेटेड ये सारी टर्म्स थी, इसलिए हमने इसको आज डिस्कस किया है। होप आपको वीडियो हेल्प करेगा ये बहुत, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, और वीडियो को शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स किसी और नई अच्छी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।